got those two tracks. तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 4 और आज की राइड जो वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। हम लोग 80 किलोमीटर साइकिल पे कवर करेंगे और आज एक और स्पेशल बात है कि हम लोग कम से कम 15 राइडर्स जो हैं वो साइकिलिंग ग्रुप जो हमारा वो सारा का सारा राइड करेगा हमीरपुर टू ज्वालाजी साइकिल पे। तो फटाफट जो मैंने बैग्स थे उनको मैं अपनी साइकिल पर लगाता हूँ और आप लोगों को व्लॉग में आगे मिलता हूँ। तो भैया, यहाँ राइड शुरू करने से पहले एक बार जय बजरंग वाली राइड हमारी सेफ और स्मूथ हो जाए। तो तुम लोग देख रहे हो इस टाइम 4 बजे सुबह के, तो मैं निकलता हूँ क्योंकि ये तो सारी गली है, यहाँ से निकल के आगे तुम लोगों से बात करते हैं। फाइनली सारे राइडर्स पहुँच चुके हैं, चलो यहाँ से निकलते हैं फटाफट ज्वालाजी के लिए। हमीरपुर से निकल चुके हैं, ठीक है। लो भैया, थोड़े से आगे होना जरा देखना इन लोगों ने आपको। ये लोग वही भैया जो मेरे साथ उस राइड पे थे, अभी वही हैं। सुगली भी आगे निकल चुके हैं, उन्हें काफी जल्दी लगी जाने की, बिकॉज हम 1 घंटा लेट हैं। तो चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से, चलो यार थोड़ी सी दिखाते हैं बस। तो फ्रेंड्स यार, हम लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं, वो सब आगे निकल गए हैं, कम से कम 10 लोग आ गए हैं वहाँ से। बिकॉज जो फायरफॉक्स वाले भैया उनकी पिछली ब्रेक जो है उनमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर मैं प्रेफर करूंगा उनके साथ ही चलना, बिकॉज उन्होंने उस साइड में मेरे साथ ही थे वो। तो फाइनली यार, अभी हमने 1/4 स्ट्रेच अपनी राइड का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज हमारे साथ बहुत बड़े बड़े साइकिलिस्ट हैं, जो मेरे साथ साइकिल चल रही है फायरफॉक्स डिवेरो, और भी काफ़ी अच्छी साइकिलिस्ट है, साइकिल्स हैं हमारे पास और साइकिलिस्ट हैं हमारे साथ राइड पे। चलो आपको सबके साथ मिलाएंगे आगे, जब कहीं रुकेंगे तब तक वीडियो इन्जॉय करो, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी राइड चाहिए। तो फाइनली यार, इस टाइम हम लोग नदौन पहुंचने वाले हैं। भाई कितना होगा नदौन इस टाइम? 1 किलोमीटर नदौन रह गया यहाँ से, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली हमने हाफ राइड अपनी कंप्लीट कर ली है। सारे राइडर्स आगे हैं, सिर्फ 2 राइडर्स पीछे हैं, वो बिगिनर हैं तो वो धीरे चला रहे हैं, नहीं तो जिनके पास स्कॉट थी जो तुमने पिछली वीडियो में देखा है वो आगे। बस मेरे साथ फायरफॉक्स वाले भी हैं जो उस दिन मेरे साथ थे, वो इस टाइम मैं और वो भी साथ ही चला रहे हैं। तो चलो फटाफट पहले नदौन पहुंचते, फिर आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाएंगे, अच्छा चलते हैं आगे। हम नदौन पहुंचने वाले हैं, पर हम धीरे धीरे मजे मजे से जा रहे हैं क्योंकि भैया की पिछली ब्रेक में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो कुछ अच्छा वर्क कर नहीं रही है,
तो मैंने सोचा यार उन्होंने मेरे साथ पिछली बार राइड में इतनी हेल्प की है तो उनके साथ चलना बेटर है। और हम लोग काफ़ी देर से बातें करते करते चले हुए हैं। हमारे सिर्फ तीन राइडर्स हैं, ये दो से पीछे हैं और वैभव हमारे से आगे चला हुआ था। गौरव हमारे से आगे चला हुआ था, जो वहाँ तो मिल गया। हम अब तीन इकट्ठे जा रहे हैं। तो जो भी सबसे आगे चले हुए थे वो टाइम तक पहुँच गए होंगे, आपदा उन्होंने रास्ता कवर कर लिया होगा, रुके होंगे। अब देखते हैं, हम तो मजे मजे से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं। नहीं भैया मजा आ रहा है ना धीरे धीरे चलाने में। तो फाइनली यार इस टाइम लोग हम मैदान पहुंच चुके हैं, ठीक है। आप देखते हैं वो लोग कहाँ पे हैं इस टाइम पे, जमा से आगे निकल चुके हैं और अब हम राइट को होंगे और आगे ज्वाला जी को निकलेंगे यहाँ से। तो बस जल्दी से हम आगे ब्रिज पे पहुंच रहे हैं, तो तुम लोगों को एक बार व्यू दिखाते हैं वहां से। तो फाइनली इस टाइम हम नदौन पहुंच गए हैं। फायरफॉक्स वाले भैया, सुगली भैया, ठीक है। तो ब्यास नदी इस टाइम पे हम उस पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आधे साइकिलिस्ट फिर चले गए हम लोग, फिर पीछे हैं थोड़ा सा, तो फटाफट उनको कवर करते हैं और आप लोगों को वीडियो। Driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky, one dime for the first time, moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. फाइनली इस टाइम पे हम लोग पुल से निकल चुके हैं और आगे लगा है पुलिस वालों का नाका, ठीक है। मैं और भैया ही हैं इस टाइम और निकल चुके हैं आगे वहाँ से, तो देखते हैं और पुलिस वाले। ये देखो इस टाइम पुलिस वाले यहाँ पे। भैया हम लोग दूसरी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर गए हैं। हाँ तो हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके, तो यहाँ पे नाका लगा हुआ है पुलिस वालों का, हमने फटाफट क्रॉस किया। चलो यार बीच में यहाँ पे रोड में काफी ज्यादा पैचेज हैं, जैसे तुम देख रहे हो, तो बार-बार डीले करने पड़ रही है। और ये जो राइटली वाले हुए हैं हमारे साथ नए जुड़े हैं इस टाइम पे, काफी अच्छी राइड कर रहे हैं। और दो बंदे हमारे वापस हो चुके हैं हमीरपुर को, बिकॉज वो एकदम जस्ट उन्होंने दो दिन पहले साइकिल बाय की थी और वो हमारे बोलने पे आ गए, पर वो नदौन से भी पीछे से वो वापस हो गए। तब हमारे यहाँ से रहा होगा कोई अराउंड 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर मैक्सिमम। चलो चलते हैं आपके साथ और थोड़ा सा फन करते हैं। एक जबरदस्त सनराइज हो रहा है, अरे देखो अरे हिमाचल की ब्यूटी। जल्दी से मंदिर की तरफ जा रहे हैं और आपको मंदिर दिखाते हैं जाके, ज्वाला जी के मंदिर में, और वहां से हम वापस हमीरपुर की तरफ निकल रहे हैं। रिकॉर्ड नहीं क्योंकि हम वहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे थे, तो फिर मैंने की छोटी सी क्लिप ली थी बस। तो फ्रेंड्स यार आते आते हमारी इस टाइम पे इतनी फट चुकी है ना,
ये देख लो बाल का क्या हाल हो गया यार, पसीना देख रहे हो कितना पड़ा हुआ है। ये मेरी साइकिल सुगली भी है और वो आगे फायरफॉक्स खड़ी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ और लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे से थोड़ा सा आगे चल रहे थे वो अराउंड किलोमीटर आगे, तब हमने यहाँ से टोटल चढ़ाई चढ़नी, तब हमने बोला उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए, तो वो खा रहे हैं। और हमारी राइड जाते थे काफ़ी अच्छी रही, आते आते भी अच्छी रही, बस एंड का थोड़ा सा स्ट्रेच है वो हम कवर कर लेंगे अराउंड 1 आवर में। मैं आपको दिखाता हूँ और कर क्या रहे हैं भैया, एनर्जी गेन कर रहे हैं इस टाइम जिनके पास फायरफॉक्स है। थोड़ा सा हम भी जरा पावर नैप ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। 75 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिया है। हाँ 75 हो गया, कितना बचा? 80 होगा हमारा, 40 80 होना था है ना। 5 किलोमीटर हमारे को चढ़ाई चढ़नी है, तो चलो अब आपसे यहाँ पे हो गई बात, तो ऊपर जाके मिलते हैं। तो भाइयों ये देखो टायर खुल चुका है मेरी वाली साइकिल का, तो ट्यूब बदल रहे हैं फटाफट। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था हम लोग ट्यूब मोस्टली कैरी करते करते हैं, तो मैं फटाफट टायर लगाते हैं और फिर आप लोगों को आगे मिलते हैं। कुछ आप बताना चाहेंगे टास्क के बारे में, कैसे आप ट्यूब चेंज कर रहे हैं? ट्यूब चेंज करने के लिए आपको 2 से 3 चीज़ें चाहिए, एक टायर लेवर, या तो आपका स्पून, क्योंकि मैं तो स्पून से करता हूँ, और हम लोग साइकिल में पंप कैरी करते करते हैं। जैसे देखो आप, ये हमारे साथ पंप रहता ही रहता है, और एक ट्यूब सरप्लस ट्यूब। और वैसे मेरी किस्मत वैसे ख़राब ही है, मेरी जब भी मैं किसी राइड पर जाता हूँ, मेरे को अगर 2 राइड की तो 1 राइड में मेरा पंचर हो जाएगा, तो मैं तो ट्यूब रखता ही हूँ। चलो फटाफट भर लेते हैं जरा। पंचर किट भी कैरी किया आपने? पंचर किट नहीं, ट्यूब भी कैरी कर लिया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है राइड की तो मेरे को और बताओ कि मैं और राइड करूं, तो मैं धीरे धीरे आपको पूरा हिमाचल साइकिल पे राइड करके घुमा दूंगा। और यार अगर किसी को साइकिल लेनी है तो मैं कमेंट बॉक्स में नीचे अपना नंबर दे दूंगा। कोई भी साइकिल 40,000 के अंदर की आप बाय कर सकते हो, पूरे इंडिया में डिलीवरी अवेलेबल है। तो राइड हार्ड राइड सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो पर।